और गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा जी के लिए आज मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ ट्यूसडे के दिन में। मैंने सोचा क्यों ना गणपति बप्पा को घर की मिठाई दूँ, और घर पे मिठाई बना के उनको देना बहुत ही अच्छा लगता है, उनको भी बहुत पसंद है। सो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का लड्डू। और बेसन का लड्डू ऐसा है कि जल्दी बन भी जाता है, और लड्डू है तो गणपति बप्पा को वैसे ही पसंद है और हम लोगों को भी बहुत पसंद है। सो प्योर घी के साथ मैं बेसन लड्डू बनाने जा रही हूँ, और साथ में यूज़ करने जा रही हूँ, थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, ये है बादाम, इलायची और पीसी हुई जो है शक्कर। इसमें जितना शक्कर ज़रूरत होगी उतना ही मैं इस्तेमाल करूँगी। अराउंड मैं 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही लड्डू बनाने जा रही हूँ, ज़्यादा लड्डू नहीं बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा मीठा भी ठीक नहीं, गणपति बप्पा रोज़ रोज़ मीठा खा के भी थक गए और हमारे लिए भी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले घी डालूंगी, ये मदर रेडी घी है मैं यूज कर रही हूँ, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ, ये मैं बेसन छाना हुआ बेसन है मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको एकदम सिम आंच में आपको बनाना है और आराम से धीरज से इसको घुमाते रहना है, चलाते रहना है जब तक बेसन लाल नहीं हो जाता है। दोस्तों आती हूँ मैं जल्दी से। सो अभी ये ना ऑलरेडी मैंने अच्छे से इसको फ्राई किया है, ब्राउन डार्क ब्राउन थोड़ा किया है और अच्छे से पक गया है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए अभी मैंने इसको फ्राई कर लिया है अच्छे से, और इसमें मैंने ना शुगर पाउडर थोड़ा मिलाया हुआ है, और थोड़ा सा मिलाऊंगी मैं, ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी, एक मॉडरेट मीठा करूँगी। ये एक ऑलरेडी मैंने 2 स्पून मिलाया हुआ है, बस इतना बहुत हो गया क्योंकि 1.5 किलो जैसे लड्डू बन रहा है उस हिसाब से मैंने क्या किया, ऑलरेडी शुगर मिलाया हुआ था तो 2 चम्मच और मिला लिया, तो इसमें क्या हो गया तो मीडियम एक मीठा हो जाएगा। और साथ साथ में ना मैं क्या करूँगी, इसमें इलायची जो है ना, सो अभी जो है ना मैंने शक्कर मिला लिया जैसे पता है, और इसके बाद जो मैं इलायची और बादाम डाल के मैं इसको राउंड राउंड करूँगी, मैं दिखाती हूँ, आने आती हूँ दिखा, थोड़ी थक गई एक्चुअली, आती हूँ मैं। लड्डू की फिनिशिंग हो रही है, गणपति बप्पा मोरया, और अभी मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, ऑलमोस्ट लड्डू बन गया है और घी कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है इसमें, मुझे कैसे लग रहा है, अभी अभी खींच लेगा घी को ये, अभी जैसे मैंने डाला है घी ज़्यादा हो गया है। सो मैं अभी लड्डू को राउंड राउंड कर रही हूँ, और अच्छा सब सोक हो गया एक्चुअली घी ना, ये देखिए घी अभी निकल भी रहा है इसमें से राउंड कर रही, तो मज़ा आता है। घर पे आप मिठाई बनाओ गणपति पप्पा के लिए और उनको चढ़ाओ तो एक अलग मज़ा है। तो ये नया है बिल्कुल, कटोरी मैंने निकाला है आज, तो घिस के देखिए अंदर से निकालने की कोशिश किया मगर साफ तो हो गया बहुत अच्छे से, तो मैं इसमें ना रख रही हूँ ये लड्डू, और 2-4 लड्डू बना लेती हूँ। बनाने के बाद सारा राउंड करने के बाद मैं क्या करूँगी, अभी उनकी आरती की तैयारी करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ गणपति बप्पा को। और ज़्यादा इस बार डेकोरेशन नहीं किया हम लोगों ने क्योंकि एक तो कोविड का भी प्रॉब्लम है, मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल तो रही हैं मगर मैंने सोचा कि ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं, वैसे ही मेरा मूड ना इस बार का थोड़ा ठीक भी नहीं है सच बताऊं, कि कोविड तो है ही, और दूसरी बात है ना ये सुशांत का जो हुआ है ना, तो वो भी मुझे ना मन ख़राब सा हो रहा था, और मैंने सोचा ज़्यादा चलो घर पर है ऑलरेडी विराजमान तो है ही गणपति बप्पा, तो जैसे हैं उनको उनको पता है सब कुछ। और ये लड्डू देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उनको पता है सब कुछ, बट थोड़ा सा सेवा बनता है भी है उनका, तो मैं इतने दिन कुछ खास कर नहीं पाई, हम लोग दिया बाती आरती और मिठाई और फल तो चढ़ा ही रहे हैं रोज़, तो उनका बनता ही है केला और सब फ्रूट्स वगैरह, मगर मैंने आज मिठाई बनाया एक्चुअली, आज 4th डे है तो इसीलिए उस हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ ख़ास बनाया जाए। और मैं क्या करूँगी पता है, ये लड्डू के ऊपर थोड़ा डेकोरेशन करूँगी और
दिखाती हूँ मैं डेकोरेशन करने के बाद। वो तो बात सही है। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी टैलेंटेड हूँ ना। क्या बोलता है? बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। अभी मैंने क्या सोचा मालूम है, इसके ऊपर ये ना ये बादाम बादाम ऑलरेडी मैंने अंदर डाला है, जस्ट होटल वाला वो मिठाई वाला लगना चाहिए, होटल वाला मिठाई वाला लगना चाहिए ना। ये देखिए जैसे लग रहा है मिठाई की दुकान से लेके आए, मक्ख छप्पन भोग से। नौ लड्डू बन गया और एक बनेगा शायद, वो तो छोटा सा ही बनेंगे गुस्सा। मैंने बोला भी था वैसे कि पाव किलो लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि गणपति जी को आज भोग चढ़ाना है, तो ठीक है पाव किलो लड्डू, और बाकी किसी दिन और मैं बनाऊंगी, आटे का भी लड्डू बनाऊंगी, दिखाऊंगी। ऑलरेडी मैं ऑलरेडी एक्चुअली है मेरा FB में, मैंने डाला था एक्चुअली लास्ट ईयर, मैंने आटे का लड्डू बनाया था, मैंने FB में है। मैं एक्चुअली उसमें मैंने ना यूट्यूब पे नहीं डाला था वो, उस टाइम पे मेरा एक्चुअली चैनल नहीं था ये वाला जो शिवाला आर्ट्स वाला, ये नहीं था, तो वो मैंने उसमें डाला था। ये देखिए ये चुट्टू नहीं नहीं ये चुट्टू, ये वाली अच्छा है वालू, मैं इसका नाम होगा चुट्टू लड्डू, चुट्टू लड्डू एक पैक फ्री है ये। और बाकी देखो कितना स्वीट सा बन गया, प्यारा सा लड्डू बन गया, गणपति पप्पा जी का प्रसाद तैयार है। और ये देखिए ऊपर मैंने डाल दिया है बादाम। कैसे लग रहा है देखने में बताइएगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डार्क ब्राउन फ्राई हुआ है। यही एक इसका एग्जाम है कि आप किसका लड्डू का क्या नहीं, मेरा एग्जाम है क्योंकि एक्चुअली फ्राई करते टाइम ना बहुत पेशेंसली फ्राई करना पड़ता है, मतलब कढ़ाई को सिम करके अच्छा, है ना, ठीक है ना। तो अभी मैं आरती करती हूँ और आती हूँ मैं, ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। वक्रतुंड महाकाल सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये है हमारे बप्पा जी, इनसे मिलिए। और बप्पा जी हमारे जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, आपको दर्शन कर रहे हैं, आप सबको आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस दीजिए, ब्लेसिंग्स अच्छे से दीजिए। और इस टाइम पे कोविड के टाइम पे बस आप आशीर्वाद ऐसे दे के जाइए कि सबका भला हो और सबका अच्छा हो, और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आशीर्वाद सबको दे, और हमें भी थोड़ा सा दीजिए बप्पा जी। और बप्पा जी मैंने जो लड्डू बनाया है इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, और इसका अगर रेसिपी चाहिए आपको तो पार्वती माता को मैं रेसिपी दे दूँगी, वो अच्छे से लड्डू बनाएंगी आपके लिए। सो ये हमारे बप्पा जी हैं, लालबाग बप्पा जी बैठे हैं, लालबाग का राजा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये है लड्डू बप्पा का प्रसाद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बप्पा सबको आशीर्वाद दीजिए, और हमारे यूट्यूब के परिवार को भी आशीर्वाद दीजिए, सबका मनोकामना पूर्ण कीजिए। और दोस्तों गणपति के आशीर्वाद से आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है जो आप कर रहे हैं, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और जैसे कि मैंने कहा है कि आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, और इस तरीके से मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगी। और ये गणपति बप्पा का हमारा वीडियो है, कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो शुक्रिया दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो मेरा नया नया वीडियो आता है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच।
गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया।